थे तो ऐसा लगता था कि बॉल चिपका करके अपनी हॉकी से चल रहे हैं। उस समय के सबसे तानाशाह, जिसको आज भी हम लोग जानते हैं, कभी कभी अपनी सरकारों को भी उस नाम से बुलाते हैं, हिटलर। सुनने में आता है कि हिटलर ने भी कहा कि तुम जर्मनी की टीम में आ जाओ। वो जर्मनी की टीम में नहीं गए, भारत की टीम से खेलते रहे। लोगों ने यहां तक हॉकी उनकी निकाल करके देखा, कहीं ऐसा तो नहीं कि हॉकी पर कुछ ऐसी चुंबक हो जिसकी वजह से ये बॉल चिपक जाती हो। लेकिन जब हॉकी देखी तो वो उनका हुनर था, उनकी काबिलियत थी, जिसकी वजह से वो हॉकी की बॉल को अपनी हॉकी के साथ लगा करके देश को, जो हॉकी का जादूगर कहा गया, शायद दूसरा प्लेयर आज हमारे देश में न दुनिया में जो ध्यानचंद का मुकाबला कर सकता। बुंदेलखंड में सब कुछ है और सब कुछ किया जा सकता है। जो छूट गई चीजें उनको हम समाजवादियों को छोड़ने का काम है। अगर ध्यानचंद जी के नाम पर समाजवादियों ने स्टेडियम बनाया झांसी में, वही इलाज के लिए 500 बेड का अस्पताल भी वहीं बनाया। मुझे याद है मैं बांदा आया था, जब मैं आके जिला अस्पताल में गया था और जिला अस्पताल में मैंने देखा कि बहुत भीड़ है, डॉक्टर पर्याप्त नहीं है। एक तो डॉक्टर है जिनका नाम बहुत है, उनसे सब दिखाने आ रहे हैं। मैंने वहां के डॉक्टरों से पूछा कि क्या चाहते हो आप, उन्होंने कहा ये अस्पताल बहुत पुराना हो गया है, अगर ये अस्पताल बड़ा बन जाए तो हम लोग मरीजों को ज्यादा देख लेंगे और हम लोगों को बैठने की भी सहूलियत हो जाएगी तो अच्छा देख सकेंगे मरीजों को, गरीबों को। उसी समय तय किया था और बड़ा अस्पताल जिला बनाने का काम किया था। मैंने अपने लोगों से पूछा कि जो समाजवादियों ने जिला अस्पताल दिया था वो बन गया कि नहीं बन गया, उन्होंने बताया कि वो बन के तो खड़ा है लेकिन आज तक उसमें न डॉक्टर है न दवाई है न कोई इंतजाम है, वो वैसी बिल्डिंग की बिल्डिंग खड़ी है।